प्रदेश के जनपद हाथरस थाना सादाबाद मार्ग पर संत फ्रांसिस स्कूल के निकट शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे के लगभग एक डंपर ने गंगा जल लेकर जा रहे 7 कांवरियों को कुचल दिया। इनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी गंगा जल लेकर हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल 2 कांवरियों को उपचार के लिए आगरा भेजा गया है। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। जिसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कन्फर्म्ड कैजुअलिटी हैं, 1 और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो सब की जा रही हैं और इनका सबको ग्वालियर वापस भेजने का इंतजाम कराया जा रहा है। हाँ, उसके बारे में जानकारी मिल गई है और उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है, तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सर, सुरक्षा के क्या कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कांवड़ियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं भी रास्ते से आ रहा हूँ, आगरा से भी आ रहा हूँ, तो मुझे भी रास्ते में करीब 4-5 पेट्रोलिंग व्हीकल मिली हैं और वो लगातार कांवड़ियों के साथ चल रही हैं। शासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रात्रि में भी पेट्रोलिंग रहती है, जो हमारी यूपी 112 की गाड़ियां हैं वो भी कांवड़ियों के साथ रहती हैं। लेकिन क्योंकि कम संख्या में, छोटे संख्या में पूरे रास्ते में बिखरे रहते हैं, तो हर एक ग्रुप के साथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारी पूरी सहानुभूति जो है, जो दिवंगत आत्माएँ हैं उनके साथ में है और जो बाकी शेष लोग ग्वालियर के हैं उनके साथ हमारी बात हुई है और उनके इच्छा के अनुरूप बाकी सारी व्यवस्था कराई जा रही है। क्या सर, कोई मुआवजे की भी कुछ सुविधा दी जाएगी इनको? जो भी शासन के आदेश के अनुसार नियमानुसार चीज़ें होंगी सब की जाएंगी। दूसरा, घायल व्यक्ति की क्या स्थिति बताई जा रही है? घायल व्यक्ति जो है वो आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मेरी वहाँ पर डॉक्टर से भी और वहाँ पर जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात हो रही है। वो अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उसके परिजन वहाँ पहुँच गए हैं और उसका इलाज वहाँ पर चल रहा है।